फुल एक्सप्लेनेशन एंड प्रैक्टिस क्वेश्चन ई बुक्स या ई e नोट्स का बेनिफिट चाहिए है, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है एक बार जाके उसे जरूर चेक करें सो माइडियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करें हैं चैप्टर नंबर वन जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में देखने वाले हैं हम right? राइट हमने जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी वहां पे हमने कुछ चीजें डिस्कस की पार्टनरशिप से रिलेटेड इंट्रोडक्शन देखा फीचर देखा हमने पार्टनरशिप का और या पार्टनरशिप फर्म का हमने कुछ प्रोविजन भी डिस्कस किए पार्टनरशिप डीड क्या होती है सारी चीजें हम लोग पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं यदि आपने वो मिस कर दिया है तो पहले जाकर वो क्लास देखो अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे ठीक है हर कॉन्सेप्ट एक दूसरे से रिलेटेड ही होता है जो पिछला पढ़ा है वो आने वाले टॉपिक से ही रिलेटेड रहेगा ठीक है तो पहले उसको एक बार अच्छे से जाकर के देख लो समझो उसके बाद इस टॉपिक को देखना तो आज जो टॉपिक हम देखेंगे जो दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म इसका क्या मतलब हुआ कि जब इंटरेस्ट देती है कौन फर्म देती है ठीक है या फिर बाय द फर्म टू द पार्टनर ये वाला टॉपिक आज हमको रहेगा और इसके साथ-साथ पहले इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर कुछ इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे सो दैट कि कि आपको हो जाएगी ये टॉपिक क्या है और है और कैसे करना तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की क्लास क्लास को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक like कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो चलिए तो आज का जो टॉपिक है दैट इज इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म इसका मतलब क्या है कि जब पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो वो कैसे इंटरेस्ट चार्ज होगा या फिर बाय द फर्म टू पार्टनर या फिर क्या किया है पार्टनर ने लोन दिया है या फर्म ने लोन दिया है दोनों में से जिसने भी एक दूसरे को लोन दिया है उस उसपे किस तरीके से इंटरेस्ट चार्ज होगा कई बार क्या होता है फर्म पार्टनर को लोन देती है कई बार होता है कि पार्टनर फर्म को लोन देता है राइट दोनों ही केसेस होते हैं इन दोनों केसेस में हम कैसे इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे वो सारा हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले जो है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म मतलब पार्टनर ने फर्म को दिया है क्या दिया है लोन दिया है राइट तो उस उसपे इंटरेस्ट कैसे चार्ज होगा वो यहाँ पे लिखा है इफ अ पार्टनर हैज गिवन लोन और एडवांस टू द फर्म सपोज कर लीजिए कोई भी पार्टनर है उसने क्या किया है लोन दिया है किसको दिया है फॉर्म को ठीक है सपोज कर लीजिए ये एक पार्टनर है ए और ये है इसकी फॉर्म को दिया है लोन अब आगे क्या कह रहा है इंटरेस्ट विल बी पेड टू पार्टनर एट द एग्रीड रेट एज रिटर्न इन द पार्टनरशिप डीड और एज एग्रीड अदरवाइज जो भी आपके पार्टनरशिप में रेट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होगा इंटरेस्ट उसको मिलेगा कैसे मिलेगा फर्म देगी इंटरेस्ट किसको पार्टनर को जिस भी रेट पे लिखा होगा कहा पार्टनरशिप में, में जितना भी इंटरेस्ट लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग फर्म पार्टनर को क्या पे करेगी इंटरेस्ट पे करेगी जो भी उसने लोन दिया है उस पर फिर उसके बाद लिखा है पर इन द 1932 will apply. हमने पढ़े हैं कि Indian partnership Act क्या कहता है यदि आपके फर्म में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो राइट यदि आपने इंटरेस्ट का रेट डिसाइड नहीं करके रखा है तो उस केस में आप पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन दिए हैं उनको फॉलो करोगे एंड द लैंडिंग पार्टनर विल बी पेड इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पर एन एम ऑन लोन अमाउंट तो जो भी लोन अमाउंट है उस पर कितना फिर उसको इंटरेस्ट मिलेगा सिक्स परसेंट का इंटरेस्ट मिलेगा यदि मान लो पार्टनरशिप डीड में पहले से ही एग्री था कि हम इंटरेस्ट टेन परसेंट देंगे यानी कि फर्म जो है वो टेन परसेंट देगी तो वेल एंड गुड है आप उसके अकॉर्डिंग चलोगे लेकिन कुछ भी नहीं डिसाइड किया था अगर आपने ये नहीं डिसाइड करके रखा था तो फिर कितना दोगे सिक्स परसेंट का इंटरेस्ट दोगे सिंपल सी कहानी है समझ में आ गई इतना है चलो अब देखते हैं आगे क्या कहता है ये नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इसका नेचर कैसा होता है इसको हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ये क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इसका क्या मतलब हुआ कि यदि जो भी प्रॉफिट लास्ट में बचता है जो हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले ही आप क्या कर दोगे इंटरेस्ट ऑन लोन को उसमें से डिडक्ट कर दोगे ये क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है फर्म को प्रॉफिट हो ना हो उसको इंटरेस्ट ऑन लोन तो देना ही पड़ता है किसको अपने पार्टनर को

फिर जब बैलेंस में से इंटरेस्ट और लोन के अमाउंट को डिडेक्ट करते हैं उसके बाद जो हमारा प्रॉफिट निकलता है उसको हम क्या करते हैं रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ठीक है क्लियर हुआ छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया राइट चलो आगे लिखा है इट मीन्स दैट इंटरेस्ट विल बी पेड टू द पार्टनर ऑन द लोन अमाउंट वेदर द फर्म अन प्रॉफिट और इनकर लॉस वही बात आगे कि आपको क्या करना है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही है भले ही आपकी फर्म को प्रॉफिट हो लॉस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है आपको क्या देना है इंटरेस्ट ऑन लोन पार्टनर को देना ही है इन एनी केस इसी को क्या बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्लियर हुआ समझ आया चलो अब आगे बढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फॉर्म टू पार्टनर अब यहाँ पे क्या है रिवर्स है पूरा रिवर्स हो गई पूरी कहानी आपकी चेंज हो गई है मान लीजिए ये है आपकी फर्म और ये है आपका एक पार्टनर ठीक है अब फर्म ने क्या किया है पार्टनर को लोन दिया है राइट right? फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है अब पार्टनर की क्या लाइबिलिटी है कि वो फर्म को क्या दे इंटरेस्ट दे क्योंकि उसने लोन लिया है तो ये फर्म को क्या देगा इंटरेस्ट देगा क्लियर हुआ इतना ठीक है है क्या किया है? फर्म से लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को राइट चलो यहां क्या है एक बार देख लेते हैं अ फर्म में गिव लोन टू अ पार्टनर एक फर्म जो है वो अपने पार्टनर को भी लोन दे सकती है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू पार्टनर इज चार्ज इफ इट इफ इट इज एग्रीड बाई दार्टनर टू चार्ज इंटरेस्ट इट इज चार्ज एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कब ये कब दिया जाएगा इंटरेस्ट जब आपने डिसाइड करके रखा होगा कि यदि कोई पार्टनर लोन लेता है फॉर्म से तो वो किस रेट पर इंटरेस्ट देगा यदि आपने डिसाइड किया है तो ही आप क्या करोगे चार्ज करोगे ठीक है कब चार्ज करोगे जब आपने पार्टनरशिप डीड में उसको डिसाइड करके रखा होगा राइट right. फिर आगे लिखा इट इज चार्ज एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ द पार्टनरशिप डीड डीट नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन और एग्रीमेंट टू चार्ज इंटरेस्ट डज नॉट एग्जिस्ट इंटरेस्ट इज नॉट चार्ज ऑन द लोन गिवन बाय द फर्म टू अ पार्टनर ये लाइन क्या कह रही है इसमें सिर्फ इतना कहा है कि यदि आपने पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है सपोज आपने डिसाइड किया है इंटरेस्ट का रेट टेन आपकी पार्टनरशिप डीड में ये लिखा है तो आप टेन परसेंट इंटरेस्ट दोगे राइट right. और यदि आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा सपोज ये ये रेट जो है ये नहीं लिखा तो फिर क्या करोगे आप बताओ क्या करोगे फिर आप कैसे इंटरेस्ट दोगे फिर इस कंडीशन में आपका पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजन है वो ये कहता है कि फिर आप पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट है ऑन लोन नहीं दोगे मतलब पार्टनर इंटरेस्ट नहीं पे करेगा किसी भी रेट पे ठीक है नो इंटरेस्ट कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर के द्वारा फर्म को पे नहीं किया जाएगा यदि पार्टनरशिप डीड में नहीं मेंशन है तो क्लियर हुआ समझ में आया दो चीज़ हमने देखी क्या देखो इसमें हमने ये देखा कि यदि फर्म पार्टनर को लोन दे रही है तो पार्टनर इंटरेस्ट देगा यदि पार्टनरशिप डीड में रेट है तो नहीं है तो नहीं देगा फिर इससे पहले हमने क्या देखा कि यदि पार्टनर फर्म को लोन दे रहा है राइट right, तो वो इंटरेस्ट चार्ज होगा पार्टनरशिप डीड में जिस जो रेट लिखा है उस रेट पे यदि कोई रेट नहीं है तो कितने पे होगा सिक्स परसेंट पे ये दो चीजें देख ली समझ में आ गई ठीक है अब इसी से रिलेटेड हमें क्या करना है क्वेश्चंस भी करना है ओके okay. जो, अभी तक देखे, हमने से related, या partner, जो भी तक देखे हमने कि आपको कितने अच्छे से समझ में आया है ठीक है ये क्वेश्चन सोल्व करके आपको पता लग जाएगा तो मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ हम क्वेश्चन सोल्व करें उससे पहले जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो ठीक है क्योंकि अब मूव कर रहे हैं हम एक्सरसाइज की और

कौन x और y ये दो पार्टनर हैं शेयर किस रेशो में कर रहे हैं प्रॉफिट को टू टू वन में मतलब जो भी प्रॉफिट आएगा उसको इस रेशो में ये लोग शेयर करेंगे फिर लिखा है विद कैपिटल ऑफ रूपीज टू लैख एंड थ्री लैख रिस्पेक्टिवली इनकी जो कैपिटल है कितनी है टू लैख है x की मतलब x ने कितने लेकर का, कितना कैपिटल आया है टू लैख का और y ने लेके आया है थ्री लैख का ठीक है 1st ऑक्टूबर X एंड Y गेव लोन ऑफ 80,000 थाउजेंड 40,000 respectively to the firm. क्या कह रहा है कौन सी डेट को ये डेट याद रखो फर्स्ट अक्टूबर को ठीक है फर्स्ट अक्टूबर को क्या किया है एक्स और वाई ने लोन दिया है फर्म को किसको लोन दिया है फर्म को किसने दिया है पार्टनर ने दिया है किस uh, कितना दिया है एक ने दिया है एटी थाउजेंड एक्स ने एट्टी थाउजेंड दिया है और वाई ने फोर्टी थाउजेंड दिया है क्लियर हुआ अब आगे क्या बोल रहा है शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंड थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इन ईच ऑफ दॉन्ग ऑल्टरनेटिव केसेज अब आपको ये चार केसेज देखे रखे हैं डिफरेंट डिफरेंट अब आपको क्या दिखाना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा ये आपको बताना है आपको पता है लास्ट में प्रॉफिट आता है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सभी पार्टनर्स में ये आपको पता है राइट right, अब आपको डिफरेंट केसेस दिए हैं कुछ डेटा आपको दे के रखा है कुछ इंफॉर्मेशन दी है इसके अकॉर्डिंग अब आपको बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन डिफरेंट डिफरेंट केसेज में तो सबसे पहले हम लेंगे केस नंबर वन केस नंबर वन में क्या लिखा है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रूपीज ट्वेंटी वन थाउजेंड इन्होंने प्रॉफिट बताया है कितना है ट्वेंटी वन थाउजेंड है ठीक है बिफोर इंटरेस्ट है लेकिन हमें कौन सा चाहिए आफ्टर इंटरेस्ट क्योंकि इंटरेस्ट क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है इंटरेस्ट मतलब किसकी बात हो रही है लोन इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है मतलब प्रॉफिट निकालने से पहले हमें इसको माइनस करना होता है तो ये तो बिफोर वाला दिया है हमें क्या निकालना है आफ्टर वाला समझ रहे हो क्यों निकालना है क्योंकि जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इंटरेस्ट ऑन लोन को हटाकर मतलब माइनस करके फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा ठीक है तो इस बिफोर वाले इंटरेस्ट जो प्रॉफिट है जो जो मतलब प्रॉफिट आपको दिया है बिफोर इंटरेस्ट हम क्या निकालेंगे आफ्टर इंटरेस्ट क्लियर हुआ तो चलो इसको निकालते हैं जल्दी से एक्स और वाई की देखो सबसे पहले ये ध्यान दो कि ये जो दिया है ना कैपिटल इस पे इंटरेस्ट नहीं निकलेगा क्यों क्योंकि कैपिटल पे इंटरेस्ट इन्होंने कोई प्रोविज़न या फिर आप कह सकते हो इन्होंने कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है इसमें कोई रेट नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता आपको भी पता है यहाँ पे अगर रेट दिया होता कि पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसका अगर अलग से रेट दिया होता तो हम कैलकुलेट करते पर यहाँ कोई रेट नहीं दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा सिर्फ क्या मिलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन तो आप देखो एक्स और वाई का कितना कितना लोन है एटी एंड फोर्टी चलो एट्टी थाउजेंड एंड फोर्टी चलो अब इसको जल्दी से कैलकुलेट करते हैं हम केस नंबर वन चलो सॉल्यूशन देखेंगे हम इसका सबसे पहले क्या देख रहे हैं केस नंबर वन चलो एक्स सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन सबसे पहले एक्स का एक्स ने कितना लोन दिया है एटी थाउजेंड और वाई ने दिया है फोर्टी थाउजेंड ठीक है

पूरे बारह महीने या पूरे एक साल का नहीं मिलेगा सिर्फ सिक्स मंथ का मिलेगा ठीक है अब आप इसको कैलकुलेट करो जल्दी से अपनी नोटबुक्स खोल लो भाई यहाँ पे कैलकुलेशन आपको करना है ठीक है फटाफट कैलकुलेट करो इसके साथ साथ फिर वाई का निकालेंगे वाई ने लोन कितना दिया है फोर्टी का सेम इसको भी इंटरेस्ट उसी रेट पर मिलेगा और इसने भी सेम डेट पर दिया है तो इसको भी सिक्स महीने का मिलेगा ठीक है अब जल्दी से निकालो कितना आ गया आप क्या ये कैंसिल हो जाएगा ठीक है ये कितना आ गया आपका ट्वेंटी फोर आ गया सबका ट्वेंटी फोर आया अब इसको निकालो जल्दी ट्वेल्व ठीक है ये ट्वेल्व हंड्रेड आ गया सबका इतना आया ये क्या आ गया इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट सबका आ गया चलो अब आगे क्या करना है हमको हमने इंटरेस्ट ऑन लोन निकाल लिया ठीक है अब हमको बताना है कि प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा तो ये जो प्रॉफिट दिया है इसमें हम क्या करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट को पहले माइनस कर देंगे क्योंकि ये क्या है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है चलो कर देते हैं इसको डिडक्ट कितना है प्रॉफिट ट्वेंटी वन थाउजेंड ठीक है प्रॉफिट हमारे पास कितना बचेगा ट्वेंटी वन थाउजेंड इसमें से माइनस क्या कर देंगे इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी हो जाएंगे दो, दोनों को प्लस कर दो दोनों को ऐड कर दो कितना हो गया ये थर्टी सिक्स इंटरेस्ट ऑन लोन के अमाउंट को हमने डिडक्ट कर दिया कितना आ जाएगा हमारा आंसर यही आ रहा है सबका सबका यही आंसर आया प्रॉफिट निकल के आ गया भाई ट्वेंटी वन थाउजेंड प्रॉफिट था हमने उसमें इंटरेस्ट का जो अमाउंट था उसको डिरेक्ट कर दिया ठीक है ये थ्री है कंफ्यूज मत होना ये थ्री लिखा है ओके okay? हाँ थर्टी सिक्स हंड्रेड जो हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट आया था इसको हमने डिरेक्ट कर दिया तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया अब इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस में पार्टनर्स में तो चलिए कर लेते हैं एक्स को देंगे सबसे पहले हम क्या रेशो है इनका टू इस टू थ्री तो जो प्रॉफिट है किस रेशो में डिवाइड होगा टू इज थ्री के रेशो में डिवाइड होगा और वाई को बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम किस रेशो में थ्री अब इसको आप कैलकुलेट करो इसको कितने रेशो में देना है टू इज टू थ्री के रेशो में देना है तो जो भी प्रॉफिट आएगा इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फाइव ठीक है सबका आ रहा है आंसर जल्दी से सबको कैलकुलेट करना है ठीक है आंसर कितना आ रहा है सिक्स नाइन सिक्स जीरो यही आ रहा है सबका राइट right. अब यदि हम इसको थ्री से करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा वन जीरो डबल फोर जीरो आया सबका यही आ रहा है अगर आपको इसको क्रॉस चेक करना है तो हम एक बार इसको ऐड करके देख लेते हैं कितना दिया है सिक्स नाइन सिक्स जीरो एंड वन जीरो डबल फोर ठीक है चलो यही आ रहा है हमारा आंसर तो जो प्रॉफिट होगा दोनों ही पार्टनर में वो किस अमाउंट में होगा जीरो ठीक है किस अमाउंट में होगा भाई सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्स किसको मिलेगा एक्स को मिलेगा राइट या गया? X का भाई X को हम इतना शेयर देंगे और वाई को कितने देंगे टेन थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड फोर्टी ये कितना लिखा है फिर से लिख देती हूँ मैं फोर्टी राइट समझ में आ गया कैसे किया हमको प्रॉफिट दिया था कितना ट्वेंटी वन राइट ट्वेंटी दिया था पर हमने इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया इंटरेस्ट ऑन लोन को उसको माइनस किया और फिर जो अमाउंट हमारा आया उसको हमने एक्स एंड वाई में जो भी रेशो दिया था दैट इज में हमने क्या कर दिया उसको डिवाइड कर दिया क्लियर हुआ ये हमारा था फर्स्ट वाला केस ठीक है अब सेकेंड वाला केस देखते हैं हम क्या लिखा है ये सेकेंड केस दैट इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज थर्टी थाउजेंड अब क्या दिया है जो के पहले का, बिफोर के पहले का, जो आपका प्रॉफिट है वो दिया है 3, तो आइए अब इसको देख लेते हैं कैसे कैलकुलेट करना है इसमें हमारे यहाँ तक की प्रोसीजर तो सेम रहेगी इंटरेस्ट ऑन लोन तो हम सेम ही रखेंगे भाई यही रहेगा ठीक है बस इसमें चेंजेस कहाँ से हो जाएंगे प्रॉफिट के अमाउंट में प्रॉफिट के अमाउंट में चेंज हो जाएगा प्रॉफिट हमारा कितना दिया है थ्री थाउजेंड दिया है ठीक है यहां तक की प्रोसीजर सेम रहेगी या आपको सेम वैसे ही करना है ठीक है बस प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका थ्री थाउजेंड और ये सारी चीजें आपकी चेंज हो जाएंगी राइट थ्री थाउजेंड था और आपका इंटरेस्ट कितना है थ्री थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड है तो क्या आ रहा है आपका लॉस आ रहा है ठीक है छह सौ का क्या रहा आ रहा है लॉस आ रहा है देखो क्योंकि आपका प्रॉफिट कितना था सिर्फ थ्री थाउजेंड था बट आपके जो एक्सपेंस है मतलब जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो थ्री थाउजेंड सिक्स थाउजेंड का अब क्या करेंगे इस लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्योंकि पार्टनरशिप में क्या होता है भाई प्रॉफिट आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लॉस आया तो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो अब सिक्स हंड्रेड को आप क्या कर दो डिस्ट्रीब्यूट कर दो चलो क्या दिया इसमें एक्स एंड वाई इस सिक्स हंड्रेड को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे बिटवीन बोथ द पार्टनर्स उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में ठीक है कितना आएगा इसका ये तो सिंपल है ठीक है, आ गया सबका आंसर? सबका यही आया क्लियर हुआ कि हमने सिक्स हंड्रेड को कैसे क्या करा डिवाइड कर दिया ये जो लॉस का अमाउंट आया था हमारा सिक्स हंड्रेड इसको हमने दोनों ही पार्टनर्स में क्या कर दिया डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है ये जीरो है क्लियर हो गया समझ आया चलो अब नेक्स्ट पे देखते हैं हम क्या लिखा है केस नंबर थ्री में हमको क्या दिया है इफ द प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज फाइव थाउजेंड अब हमको क्या दिया है फाइव थाउजेंड दिया है क्या दिया है हमारा प्रॉफिट दिया है फाइव थाउजेंड ठीक है इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं इसका स्क्रीन शॉट ले लो आप जो ये हमारा केस नंबर टू था ठीक है ये हमारा केस नंबर टू है इसका आप जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो ले लिया चलो अब हम सॉल्व करेंगे कौन सा केस नंबर थ्री केस नंबर थ्री में भी सेम यही रहेगा यहाँ तक का प्रोसीजर बस जो प्रॉफिट है वो कितना दिया है आपको फाइव थाउजेंड दिया है राइट फाइव थाउजेंड दिया फाइव तो थाउजेंड के जो प्रॉफिट दिया है इसको हम क्या करेंगे आफ्टर टैक्स बनाएंगे तो आफ्टर टैक्स बनाने के लिए क्या करेंगे इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा यह ठीक है इतना ही आएगा फोर्टीन हाँ, 1400 आ जाएगा हमारा अमाउंट अब इस 1400 का जो प्रॉफिट आया है इसको हम एक्स एंड वाई में क्या कर देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में करना है टू इस टू फाइव के रेशो में करना है कर लोगे आप इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूट होगा प्रॉफिट 1400 दोनों ही पार्टनर्स में वो निकल के आ जाएगा ठीक है कितना आएगा तो ये इतना ही आ रहा है सबका कैलकुलेट किया आप लोगों ने इसको भी कैलकुलेट किया तो इतना ही आएगा सिक्स एंड ये हो जाएगा आपका राइट इतना ही आएगा यदि आप लोग का भी आया इसका मतलब ठीक है आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं राइट right. तो ये जो प्रॉफिट था 5000 जब दिया था तब भी हमने सेम वही प्रोसीजर किया बस क्या हुआ प्रॉफिट जो भी हुआ उसको हमने डिवाइड कर दिया दोनों ही पार्टनर्स में क्लियर हुआ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप जल्दी से केस नंबर थ्री का ले लिया सबने चलो अब नेक्स्ट वाला देखते हैं केस नंबर फोर इसमें क्या बोला है इफ द द लॉस लॉस बिफोर इंटरेस्ट फॉर ईयर अमाउंटेड टू अब क्या दिया है? दिया है है हमें पे अभी तक तो प्रॉफिट दे रहे थे बट इस केस में हमें क्या दिया है लॉस दिया है तो लॉस को भी क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे ठीक है आ जाओ उसको देख लेते केस नंबर फोर सेम वही प्रोसीजर रहेगी बस क्या रहेगा यहाँ पे लॉस आ जाएगा ये प्रॉफिट नहीं दिया ये क्या दिया है हमें लॉस दिया है तो यहाँ पे हम लिख देंगे लॉस कितना दिया था लॉस फोर्टीन हंड्रेड का लॉस ठीक है 1400 का लॉस दिया था और हम देखो पहले तो ऑलरेडी क्या दिया है लॉस गिवन है ठीक है लॉस के साथ साथ क्या हो गया अब एक्सपेंस भी आ गया तो ये दोनों क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे क्योंकि पहले ही लॉस है और उल्टा एक्सपेंस और हो गया हमारा खर्चा और रेडी हो गया तो दोनों को हम ऐड कर देंगे माइनस नहीं करेंगे क्या करेंगे ऐड करेंगे तो 1400 को और इसको ऐड करो कितना आएगा ये हो जाएगा आपका जीरो और ये हो जाएगा फाइव फाइव थाउजेंड हो जाएगा ठीक है फिर उसके बाद क्या करना है इस फाइव थाउजेंड के लॉस को दोनों ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ठीक है चलो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं जल्दी से ये जो फाइव थाउजेंड का लॉस है इसे टू इज थ्री के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम चलो जल्दी से कैलकुलेट करो और इसका बताओ कितना आएगा ये तो सिंपल से ही है ठीक है इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा हमारा टू थाउजेंड एंड थ्री थाउजेंड क्या हो गया लॉस लॉस को भी हमने क्या किया पार्टन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इंडिया शेयरिंग रेशो जो भी प्रॉफिट शेयरिंग था उसमें आपने इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया क्लियर हुआ समझ में आया कैसे करना होता है चलो इसका स्क्रीन ले लो जल्दी चलो आई होप आपने ले लिया होगा अब देखते हैं तो ये हमारे चारों केसेस थे चारों केसेस हमने वन बाय वन सॉल्व किए आई होप आपको क्लियर हुआ होगा अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सीता एंड गीता आर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो ऑफ थ्री टू टू भाई यहाँ पे भी दो क्या है पार्टनर है गीता है, है, जिसका sharing ratio कितना है? इन दोनों ने ही मिलके राइट right? इन दोनों ने ही मिलके कितना प्रॉफिट दिया है सॉरी uh, कितना लोन दिया है तीस हजार का लोन दिया है ठीक है दोनों ने मिलके तीस हजार का दिया है किस रेशो में दिया है थ्री टू टू के रेशो में दिया है यहाँ पे लिखा है ना इंडिया प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मतलब इस तीस हजार के लोन में जो तीस हजार का लोन है इसमें जो इनका शेयरिंग है वो क्या है थ्री टू का है ठीक है इसको हम कैलकुलेट करेंगे अभी समझ आ जाएगा फिर क्या लिखा है द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट ऑन इंटरेस्ट ऑन लोन भाई इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में कुछ नहीं लिखा तो कितना चार्ज होगा जाहिर सी बात है सिक्स होगा फिर क्या लिखा है कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फॉर्म टू द पार्टनर अज्यूमिंग द इट्स बुक एवरी ईयर ऑन मार्च चलो इसमें हमको थर्टी हम एक, एक थाउजेंड ठीक है दोनों का थ्री टू टू है जो लोन अमाउंट है वो थ्री टू टू में डिवाइड कर देंगे हम दोनों का निकल जाएगा लोन अमाउंट और फिर उस पर क्या निकालेंगे इंटरेस्ट निकालेंगे तो चलिए इसको जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं हम सॉल्यूशन नंबर टू सबसे पहले क्या निकालना है हमें इंटरेस्ट ऑन नहीं सबसे पहले तो लोन की वैल्यू निकालनी है कि टोटल अमाउंट ऑफ लोन कितना है अमाउंट ऑफ लोन दो पार्टनर्स थे सबसे पहला कौन है सीता चलो सीता का कितना था टोटल लोन हमारा कितना है थर्टी थाउजेंड थ्री टू टू के रेशो में दिया है तो इसका लोन अमाउंट आ जाएगा और गीता का आ जाएगा थर्टी थाउजेंड में से टू इस टू फाइव का रेशो मतलब टू अपॉन फाइव ठीक है अब इनका लोन अमाउंट निकालो कितना आ जाएगा हो जाएगा कैंसिल सिक्स टाइम्स ऑफिस इसको हम करेंगे तो कितना आएगा एटीन सेम इसको करेंगे तो आ जाएगा 12. इनका लोन का अमाउंट आ गया एक ने कितना दिया है ट्वेल्व थाउजेंड का अब आपको लोन पता चल गया कि दोनों का सेपरेट सेपरेट लोन क्या है अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है चलो अब क्वेश्चन में क्या लिखा है कि हमें इंटरेस्ट देना है राइट right? अब इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप डीट क्या है साइलेंट है कुछ नहीं कह रही तो हम इंटरेस्ट सिक्स परसेंट पे दे देंगे चलो ठीक है बढ़िया जल्दी से देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन लोन का अमाउंट है चलो अब पहले हम सीता का देख लेते हैं सीता का लोन कितना है एटी है लोन अमाउंट कितना है सिक्स परसेंट कब दिया है देखो ये भी देख लो क्वेश्चन में साफ लिखा है फर्स्ट अक्टूबर को दिया है, इसका मतलब कितने महीने के लिए इंटरेस्ट मिलेगा सिर्फ छह महीने के लिए मिलेगा ठीक है गलती मत कर देना पूरे साल भर का मत कैलकुलेट कर देना क्वेश्चन में देख लेना कि लोन कब दिया है ठीक है यहाँ पे साफ लिखा है अक्टूबर इसका मतलब अक्टूबर से मार्च तक छह महीने तो हम छह महीने का निकाल लेंगे सिक्स अपॉइट ट्वेल्व करके ठीक है अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है आपका ये हो जाएगा फिर ये हो जाएगा और ये आपका कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट ये आ रहा है सबका इंटरेस्ट इतना ही आ रहा है जल्दी कैलकुलेट करके बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है जब तक हम दूसरे पार्टनर का निकालेंगे दैट इज गीता गीता का कितना है लोन अमाउंट ट्वेल्व थाउजेंड इसको भी सेम 6% के रेट पे ही देना है और कितने 6 महीने के लिए ही देना है अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अगेन कितना आ जाएगा जल्दी 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 कैलकुलेट करना है आप लोगों को ठीक है और विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एग्जाम में नहीं मिलने वाला क्योंकि ठीक है याद रखना क्या सबका अमाउंट आ रहा है इतना ही सबका आ गया दैट इज फाइव एंड फोर्टी थ्री ये हो गया क्या इनके इंटरेस्ट का अमाउंट कि जो भी इनका लोन था उस पर आप सिक्स परसेंट का इंटरेस्ट छः महीने में दोगे तो इतना आएगा एक बार क्रॉस चेक कर लो कैलकुलेशन सही की है हम लोगों ने थ्री जीरो जीरो थ्री एट जो टू फोर जो थ्री फोर फाइव ठीक है और ये वाली थ्री जीरो थ्री टू जो सिक्स ओके करेक्ट है ठीक है एक बार क्रॉस चेक कर लिया अगर हमेशा कैलकुलेशन तो ये हमने निकाल लिया अब हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन कंप्यूट इंटरेस्ट पेबल बाय द फॉर्म टू द पार्टनर्स अज्यूमिंग फॉर्म क्लोजेज इट्स बुक ठीक है तो इतने ही कहा था हमें कि हमें क्या करना था इंटरेस्ट ऑन लोन बताना था कि फॉर्म कितना देगी इंटरेस्ट ऑन लोन हमने देख लिया राइट और कुछ तो नहीं बोलाना इसने दिखाने के लिए प्रॉफिट भी नहीं दिया शायद है ना, ना प्रॉफिट भी नहीं दिया लोन का अमाउंट दिया था सिर्फ ठीक है तो इसमें हमें सिर्फ क्या बताना था इतना ही बताना था कि अमाउंट ऑफ लोन कितना है और उसके अकॉर्डिंग कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा वो हमें बताना था क्लियर हुआ इसका जल्दी से स्क्रीन ले लो आप ले लिया सबने चलो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड वाला क्वेश्चन थर्ड वाला क्वेश्चन कह रहा है बैट एंड बॉल शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेश ऑफ ठीक है भैया ये दो पार्टनर है टू एस टू थ्री में डिवाइड कर रहे हैं फिर क्या लिखा है विद कैपिटल ऑफ वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड एंड सिक्सटी थाउजेंड दोनों की कैपिटल दी है ठीक है ऑन फर्स्ट अक्टूबर अगेन भाई को क्या किया बैट एंड दोनों ने ही क्या है दो लाख चालीस हजार का दिया है और एक ने एक लाख बीस हजार का दिया है ठीक है बैट एड अलाउड द फर्म टू यूज हिज प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर अ मंथली रेंट ऑफ फाइव थाउजेंड भाई बैट ने क्या किया अपनी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी है वो फर्म को दी है यूज करने के लिए पांच हजार के रेंट पे ठीक है लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च बिफोर रेंट एंड इंटरेस्ट अमाउंटेड टू रुपीज नाइन थाउजेंड ये लॉस दिया है आपको क्या दिया है ये लॉस दिया है ठीक है अब आपको बताना है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट और लॉस का कैसे होगा चलो अब आप मुझे बताओ क्या करोगे आपको लॉस दिया है आपको बिफोर इंटरेस्ट और रेंट का दिया है लेकिन आपको कौन सा चाहिए होता है आफ्टर वाला आफ्टर इंटरेस्ट और रेंट uh, वाला तो ये जो लॉस दिया है इसमें आप इसको भी क्या करोगे अगर प्रॉफिट दिया होता तो क्या करते माइनस कर देते ठीक है अब इस इस कंडीशन में जब हमको क्या दिया है लॉस दिया है तो आइए देखते हैं कि अब हमको क्या करना है चलो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे देखो uh, जो कैपिटल दी है हमें इस पर तो हम इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इनके पास कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है और इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा नहीं अब क्या मिलेगा इन्हें लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि इन्हें लोन दिया है तो इनको लोन पे इंटरेस्ट मिलेगा तो आइए लोन के इंटरेस्ट को जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं इसका स्क्रीन आपने ले लिया होगा चलो सोल्यूशन नंबर थ्री देख लेते हैं हम सबसे पहले क्या निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन लोन इंटरेस्ट ऑन लोन भाई दो हमारे प्यारे प्यारे से पार्टनर्स थे क्या क्या नाम थे इनके बहुत ही बढ़िया से बैट एंड बॉल ठीक है तो बैट ने कितना लोन दिया है विद द कैपिट ये तो कैपिटल हो गई ऑन ये देखो बैट एंड बॉल कितना दिया है दो लाख चालीस हजार का और एक लाख बीस हजार का ठीक है दो लाख चालीस हजार का लोन दिया है अगेन फर्स्ट अक्टूबर को दिया था ठीक है तो हमको पहले इंटरेस्ट कितना देना है इंटरेस्ट की बात यहाँ पे कुछ नहीं कही गई है ठीक है तो हम सिक्स परसेंट ही देंगे और अक्टूबर में लिया था लोन फॉर्म ने तो वो सिर्फ बारह परसेंट मतलब बारह महीनों का नहीं छह महीने का इंटरेस्ट देगी ठीक है दूसरा पार्टनर था हमारा कौन बॉल इसका क्या था एक लाख बीस हजार था लोन का अमाउंट सेम वही इंटरेस्ट रेट रहेगा और उतने ही महीने के लिए रहेगा अब इसे कैलकुलेट करो फटाख से जल्दी से और मुझे बताओ कितना आंसर आया है भाई कैलकुलेट करना है यहाँ ये थ्योरी वाली क्लास नहीं है बैठ के सुनना नहीं है कैलकुलेट करना है इवन विदाउट कैलकुलेटर ठीक है फटाफट कॉपी में कैलकुलेट करो क्या क्या आ जाएगा इसका आंसर इसको हटाएंगे इसको हटा देंगे फिर इसको हटाएंगे या आ जाएगा आपका ये इतना आ रहा है सबका बताओ जल्दी आ रहा है फिर इसको भी वैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा यही आ रहा है क्या सबका आंसर बताओ मुझे हाँ चलो अब क्या करना है हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का अमाउंट मिल गया मिल गया अब आगे क्वेश्चन में एक चीज और दी हुई थी हमें वो क्या दी थी रेंट के बारे में कि जो बैट है इसने रेंट पर आ, कोई प्रॉपर्टी दी है फॉर्म को कितना का रेंट है 5000 का तो आ जाइए बैट का कैलकुलेट कर लेते हैं हम इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं आ, रेंट कितना दिया है इसने रेंट 5000 मतलब लिया है फर्म से बारह महीने के लिए लिया है ठीक है पूरे एक साल का इसमें ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं दिया है इसका मतलब क्या है मंथली रेंट दिया है डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं गया कि इतने महीने उतने महीने इसका मतलब क्या है पूरे साल के ही हम कैलकुलेट करेंगे ठीक है चलो तो कितना हो जाएगा ये टोटल रेंट इसका आ जाएगा सिक्सटी थाउजेंड आ जाएगा आ गया रेंट ठीक है ये हो गया इंटरेस्ट ऑन लोन और ये हो गया रेंट अब हमें क्या दिया है लॉस दिया है क्या दिया है लॉस दिया है नाइन थाउजेंड का ठीक है अब हम लिख लेंगे यहां पे क्या लॉस कितने का दिया है नाइन थाउजेंड का दिया है अब आप मुझे एक बात बताइए फर्म को क्या देना है इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना है ठीक है तो ये क्या हो जाएगा ये दोनों को पहले आप ऐड कर दो जल्दी ऐड करो ठीक है इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा फर्म को पे करना है राइट right. और ये जो रेंट है ये भी फर्म को क्या करना है पे करना है और ऑलरेडी लॉस हुआ है फर्म को ऑलरेडी लॉस है तो ये सारे अमाउंट क्या हो जाएंगे आपके ऐड हो जाएंगे चलो इनको जल्दी से ऐड करो ये कितना हो रहा है आपका सिक्स सेवन एट एट डबल जीरो और ये कितना हो जाएगा सेवन एट नाइन टेन ये अमाउंट आ रहा है आपका टेन थाउजेंड एट हंड्रेड आ रहा है ठीक है कंपनी को रेंट भी पे करना है मतलब फॉर्म को रेंट भी देना है और इंटरेस्ट ऑन लोन भी देना है और ऑलरेडी लॉस है तो अब इन सब को प्लस कर दोगे आप सिक्स थाउजेंड को प्लस टेन थाउजेंड एट हंड्रेड को ठीक है और क्या बोला है और कुछ बोलेगा एक बार चेक कर लो बैट अलाउड द रेंट यूज हिज प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फॉर्म यू यूज इस प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस फॉर मंथली रेंट ऑफ फाइव थाउजेंड ठीक है हमने निकाल लिया लॉस फॉर ईयर एंडेड ठीक है बिफोर इंटरेस्ट एंड अमाउंट जो दिया था वो नाइन थाउजेंड दिया था ठीक है हमने देख लिया सब कुछ अब हमको जो लॉस आया है हमारा इसको आप ऐड कर लो पूरा अमाउंट ऐड कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपका इसको हम ऐड कर देते हैं कर लिया आप लोगों ने ऐड कितना आया जल्दी बताओ आ hmm, जाएगा आपका सेवन थाउजेंड सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड यही आ रहा है सबका एक बार क्रॉस चेक कर लो एट हंड्रेड ये नाइन और ये सिक्स सेवन हाँ इतना ही आएगा तो ये आपका लॉस अमाउंट जो आया है अब आप क्या करोगे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे अमंग बोथ पार्टनर्स किस रेशो में करोगे टू इज टू थ्री के रेशो में कर दोगे चलो जल्दी कर देते हैं हम लोग यहाँ पे बैट का और यहाँ पे बॉल का टू इज टू थ्री के रेशो टू इज टू थ्री हाँ तो हम इसको कर देंगे सेवेंटी नाइन थाउजेंड एट हंड्रेड इंटू थ्री बाई फाइव कैलकुलेट करो आप जल्दी से कितना आएगा इसका इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ी सी काटा पिटी कर लेते हैं कितना आएगा फिर हमारा आंसर थ्री थाउ थर्टी वन थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड ट्वेंटी ठीक है कैलकुलेट करना और जब आप इसका निकालोगे शेयर थ्री बाय फाइव में तो आपका आ जाएगा टोटल फोर फोर्टी सेवन थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी क्लियर सबका यही आया है जब हमने इस पर्टिकुलर को इस पर्टिकुलर अमाउंट को या जो लॉस का अमाउंट था इसको जब हमने दोनों ही पार्टनर्स में टू इस रेशो में किया तो हमारा आंसर आ गया राइट right? समझ में आया सबका यही आंसर आया है क्लियर हुआ कैसे करना है चलो अब जल्दी से पहले आप इसका स्क्रीन ले लो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे चलो, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर फोर यहाँ पे भी अगेन तीन पार्टनर्स हैं, अखिल सुनील एंड परवेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ थ्री टू 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 वन तीन पार्टनर्स दिए हैं आपको और इनका शेयरिंग रेशो दिया है टू टू थ्री टू 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 वन फिर क्या बोल रहा है सुनील हैड गिवन लोन टू फॉर्म ऑन फर्स्ट नवंबर 2020 ऑफ फोर लैख तो एक पार्टनर है सुनील जिसने क्या किया है फॉर्म को लोन दिया है कब दिया है नवंबर में ये डेट को याद रखना ठीक है फर्स्ट नवंबर को दिया है कितना फोर लैख का ठीक है अब इंटरेस्ट पेबल वॉज एग्रीड एट ट्वेल्व परसेंट पर एन एम अब देखो यहाँ पे इन्होंने पार्टनरशिप डीड में ऑलरेडी इंटरेस्ट का अमाउंट डिसाइड करके रखा है ठीक है कितना डिसाइड किया है ट्वेल्व थाउजेंड सॉरी ट्वेल्व परसेंट ठीक है ट्वेल्व परसेंट पर है नाम फिर लिखा है इंटरेस्ट वॉज पेड बाय चेक अप टू फेबर अब इन्होंने क्या किया है जो फर्म है उसने इंटरेस्ट पे कर दिया है कैसे चेक से पे, पेमेंट करी है ठीक है चेक से कैश में नहीं करी और कब करी है फेबर में करी है ठीक है ऑन फर्स्ट मार्च टू एंड बैलेंस वॉज येट टू बी कैप्ट और जो बैलेंस है उसको uh, अभी रखा हुआ है इन्होंने ठीक है मतलब लास्ट लाइन में ये बोला है दैट इंटरेस्ट वाज पेड बाय चेक अप टू फेबर सिर्फ फेबररी तक का ही इन्होंने क्या किया है पेमेंट किया है मतलब समझ रहे हो नवंबर में लोन लेके आया ठीक है नवंबर से मार्च तक का क्या होना चाहिए लोन मिलना चाहिए कितने महीने हो गए नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च पाँच महीने पाँच महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक का ही आपने उसको क्या दिया है अभी इंटरेस्ट दिया है जो एक महीना बचा है मार्च उसका अभी आपने नहीं दिया है इंटरेस्ट समझ में आ गया ठीक है पांच में से सिर्फ चार महीने का दिया है एक महीने का देना बाकी है आउटस्टैंडिंग है।, है? है? है उससे पहले लेकिन आपको इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा जब आप इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट करोगे आप जनरल एंट्रीज पास करोगे तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं सॉल्यूशन नंबर फोर क्या लिखा है यहां पे इंटरेस्ट किस पे निकालना है सबसे पहले हमें फोर थाउजेंड पे निकालेंगे हम ऑलरेडी अमाउंट दिया है बारह परसेंट ठीक है कौन सा पार्टनर दे रहा है सुनील चलो ठीक है कैलकुलेट कर लेते हैं हम क्या इंटरेस्ट ऑन लोन सुनील जो हमारा पार्टनर था इसका कितना है अमाउंट फोर लाख ठीक है और इंटरेस्ट का अमाउंट पहले ही दिया है हमें कितना 12%. ठीक है ट्वेल्व परसेंट दिया है इंटरेस्ट जो है वो चेक से पे किया है फेबर तक का तो कितना हम कैलकुलेट करेंगे टोटल इंटरेस्ट हमारा कितने महीने का आ रहा था फाइव मंथ्स का आ रहा था राइट right? चलो अब आपको कैलकुलेट करके बताना है और इसके साथ साथ फिर क्या बोला है हमें कि जो बैलेंस था वो अभी भी बाकी है मतलब ये बैलेंस जो एक महीने का है वो बचा हुआ है तो हम पहले क्या करेंगे देखो सबसे पहले आप ऐसा करो कि जो दे दिया है यानी कि कितने महीने का चार महीने का तो पहले आप चार महीने का कैलकुलेट कर लो ठीक है उसके बाद फिर आप क्या करो जो रिमेनिंग है that is 4 ,00 ,00, पर जो है, यह आ जाएगा आपका 12, बारह महीने ठीक है समझ आया जो अमाउंट दे दिया उसको अलग से कैलकुलेट कर लो और जो बचा है उसको आप अलग से कैलकुलेट कर लोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा आपका फोर फोर थाउज़ेंड आ जाएगा समझ तो आ जाएगा. 4, ये आपको देना बाकी है. गया कैसे किया पांच महीने का इंटरेस्ट देना था ठीक है चार महीने का दे चुके हो सोलह हजार आ गया एक महीने का देना बाकी है वो चार हजार आ गया क्लियर हुआ अब हमको क्या करनी है इससे रिलेटेड जनरल एंट्रीज पास करनी है जनरल एंट्रीज कर लेते हैं हम अब इसके नीचे से ही चालू कर देते हैं सबसे पहले एंट्री कब होगी हमारी फर्स्ट मार्च इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील डेबिट करेंगे इसको टू से इंटरेस्ट पे किया है हमने बैंक से बैंक के थ्रू कैश में तो नहीं किया तो हम क्या करेंगे बैंक अकाउंट लिख देंगे क्योंकि हमने चेक से पेमेंट है राइट क्वेश्चन में मेंशन था यहाँ पर कि चेक से पेमेंट हुई है इन द सेंस हम क्या रिकॉर्ड करेंगे बैंक अकाउंट रिकॉर्ड कर देंगे कितनी पेमेंट हो चुकी है अभी चार महीने की हमने कैलकुलेट करी कितनी आई थी सोलह हजार तो हम यहाँ पे लिख देंगे सोलह हजार ठीक है पहली एंट्री समझ में आ गई अब दूसरी एंट्री देखते हैं क्या होगी हमारी थर्टी फर्स्ट मार्च को होगी क्योंकि अभी हमने क्या किया है अमाउंट पे नहीं किया है पूरा फाइनेंशियल ईयर हो गया थर्टी फर्स्ट मार्च आ गई और अभी एक अमाउंट पे नहीं हुआ है तो अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट इसको डेबिट करेंगे टू अभी ये हमने पे नहीं किया है तो इसको हम बैंक नहीं लिख सकते ये अभी पे करना बाकी है तो इसको हम कहा पे कर देंगे? लोन बाय सुनील अकाउंट में ठीक है कितना अमाउंट बाकी है फोर थाउजेंड बाकी है ठीक है यहां पे लिख देते फोर थाउजेंड क्लियर हुआ दो एंट्री समझ में आ गई एक एंट्री किसकी की जो हमने लोन पे कर दिया और दूसरी एंट्री की की जो अभी लोन देना बाकी है अब तीसरी एंट्री देखते हैं हम तीसरी एंट्री में हम क्या करेंगे जो हमारा अमाउंट था ये वाला ये दोनों अमाउंट कहां जाएंगे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे राइट प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे तो दोनों का टोटल हमारा कितना आ जाएगा ट्वेंटी टोटल इतना ही है दोनों को ऐड करोगे तो ट्वेंटी थाउजेंड आएगा अब इस टोटल ट्वेंटी थाउजेंड को हम कहा ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में ले जाएंगे क्योंकि ये क्या होगा प्रॉफिट एंड लॉस से डिडक्ट हो जाएगा ये अमाउंट माइनस होगा तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं थर्ड वाली थर्टी फर्स्ट मार्च प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसको पीएनएल लिख देती हूँ मैं ठीक है पी एन एल अकाउंट डेबिट टू में करेंगे इसको इंटरेस्ट ऑन लोन बाय सुनील अकाउंट ठीक है ये डेबिट को हम यहां लिख देते हैं क्लियर हुआ समझ में आया कितना अमाउंट था हमारा ट्वेंटी थाउजेंड दोनों का अमाउंट इतना ही था ट्वेंटी थाउजेंड समझ में आ गई तीनों एंट्री काई की करी इसको हमने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया ये अमाउंट क्योंकि ये क्या था हमारा टोटल इंटरेस्ट था जो इसका आया समझ आई तीनों एंट्री समझ में आ गई कैलकुलेशन समझ में आ गए ऑल राइट तो आज इसका आप स्क्रीन ले लो सबसे पहले जल्दी से ले लिया चलो अगली एंट्री का भी ले लो चलो सो माय डियर स्टूडेंट्स आज हमने टोटल कितने क्वेश्चन डिस्कस किए फोर क्वेश्चन आज हमने डिस्कस किए किससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड अभी कुछ और क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे सो so दैट आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी सो दिस वॉज फॉर टूडेज क्लास आज हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए अगली क्लासेस में कुछ और नए क्वेश्चन के साथ आऊंगे कुछ और नए क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे तो जरूर जुड़िएगा डेली क्लासेज में मैग्नेट ब्रेन पर जहां मिलता है आपको फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन कोर्सेस आपको मिल जाएंगे इंग्लिश मीडियम में क्लास के से लेके क्लास ट्वेल्व तक हिंदी मीडियम कोर्सेज भी आपको मिलेंगे क्लास सिक्स से लेके क्लास ट्वेल्व तक वी प्रोवाइड कोर्सेज फॉर बोथ सी बी एस सी एंड अदर स्टेट बोर्ड लाइक जैसे कि दिल्ली, बिहार यूपी एम पी राजस्थान वेदिक मैथ्स या स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिल जाएंगे क्रैश कोर्स आपको एग्जाम टाइम में मिलेंगे उसके साथ साथ यदि आपको ई बुक्स या ई नोट की लिंक चाहिए है, तो डिस्क्रिप्शन में है जाकर वहां से एक बार जरूर चेक करें आप हमारे कोर्स हमारे यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहाँ से भी आप बड़े ही आराम से हमारे कोर्सेज देख सकते हैं इसके साथ साथ हमारी एक वेबसाइट है जिसको भी जाकर आप चेक कर सकते हैं अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जाकर हमें फॉलो करें आज की क्लास इंटरेस्टिंग लगी हो कुछ समझ आया हो सारे क्वेश्चन आपको बने हो तो एक बार ज़रूर जल्दी से लाइक like, शेयर कर दो सब्सक्राइब कर दो और नेक्स्ट क्लास में जरूर जुड़ना ठीक है सो so, जल्दी से लाइक कर दो शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टेक केयर बाय बाय एंड कीप लर्निंग